ये क्या है? क्या ये? बाल बाल बच गया। दोस्तों हमको भूकंप समझने से पहले थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, यानी हमको ज्वालामुखी समझना पड़ेगा। ज्वालामुखी भू प्रॉपर्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। दोस्तों भूकंप कैसे आता है? पृथ्वी की बाह्य परत में अचानक हलचल से उत्पन्न ऊर्जा के परिणाम स्वरूप भूकंप आता है। दोस्तों क्या आपको पता है विश्व का सबसे पहला भूकंप कब आया था? तो ये आया था, अगर इतिहास की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप 22 मई 1960 में आया था। दोस्तों क्या आपको पता है भूकंप के कितने प्रकार है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती है। पहला पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरा एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एंड तीसरा एल तरंगे अथवा पृष्ठ तरंगे। दोस्तों जब भी टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होती है तो भूकंप आने की संभावना होती है। सो आई होप दोस्तों ये तो आप समझ ही गए होंगे भूकंप क्या होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।